जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश आप लोगों को आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं CBSE क्लास 10 से के रिजल्ट से रिलेटेड बात करूंगा और CBSE क्लास 12 के रिजल्ट के अपडेट के बारे में बात करूंगा कि आज शाम का क्या लेटेस्ट अपडेट है, उसके रिगार्डिंग पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि क्लास 12 का रिजल्ट के लिए कल का नोटिस जारी हो गया है कि कल इवनिंग तक आप लोगों का रिजल्ट यानी क्लास 12 के स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और CBSE का ये ट्रेंड रहा है कि क्लास 12 का रिजल्ट पहले देता है और क्लास 10 का रिजल्ट बाद में देता है, इसीलिए आप मान सकते हैं कि कल अगर आपके 12th का रिजल्ट आ रहा है तो एक दो दिन में आपके क्लास 10th के भी रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। उससे पहले CBSE से रिलेटेड एक और अपडेट है कि कई बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर हमें रोल नंबर नहीं मालूम है तो किस तरह से हम रिजल्ट को देख पाएंगे। तो देखिए, CBSE के द्वारा एक अपने वेबसाइट पोर्टल पर एक लिंक एक्टिवेट किया गया है जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स और क्लास 12th के स्टूडेंट दोनों स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर को जान सकते हैं। उसमें आपको उस लिंक के थ्रू आपको आपका नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ भरना है और भर करके सबमिट जब करेंगे, सर्च ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका रोल नंबर प्रदर्शित कर दिया जाएगा स्क्रीन पर, तो आप उसको सेव करके रख लीजिएगा। इस तरह से आप अपना रोल नंबर फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो क्लास 10th के हो चाहे वो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो। अब रही बात कि सर रिजल्ट का क्या अपडेट है, तो देखिए क्लास 12th का रिजल्ट कल घोषित हो रहा है क्योंकि आप जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था CBSE को कि 31 जुलाई से पहले क्लास 12th का रिजल्ट आपको देना है। इसीलिए CBSE ने बड़ा जोरों शोरों से रिजल्ट के ऊपर काम किया है और कल जो है NDTV, जैसे कि आज शाम में हमने देखा NDTV न्यूज वाले अपडेट को, तो उस न्यूज वाले अपडेट ने ये किया है कि कल आपको किसी भी टाइम क्लास 12th का रिजल्ट जारी हो सकता है। कल अगर क्लास 12th का रिजल्ट जारी हो रहा है तो इसका मान के चलिए कि क्लास 10th का रिजल्ट कल नहीं आएगा, क्योंकि अगर सेम टाइम में दोनों रिजल्ट को अगर अपलोड कर दिया जाए तो वेबसाइट के क्रैश होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप ये मान के चलिए कि कल अगर क्लास ट्वेल्थ का रिजल्ट आ रहा है तो क्लास 10th का रिजल्ट जो है एक दो दिन के अंदर घोषित कर दिया जाएगा, उसके लिए भी रिजल्ट का एक लिंक जारी कर दिया जाएगा। और इस बार आप लोग जैसा कि जानते हैं कि आप वेबसाइट पे भी अपना मतलब रिजल्ट चेक कर सकते हैं, उसके अलावा डिजी लॉकर में भी आप अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, वहां पर भी अपना मार्कशीट को आप देख सकते हैं। जैसा कि डिजी लॉकर वालों ने एक ट्वीट भी किया था इसके लिए कि क्लास 12th के रिजल्ट प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, गेट रेडी, आप लोग रेडी रहिए, आपके रिजल्ट प्रदर्शित हो रहे हैं वेरी सून, यानी बहुत जल्दी आपके रिजल्ट आपको दिखेंगे। इसीलिए आप ये मान के चलिए कि क्लास 12th का रिजल्ट के लिए कल का दिन है और क्लास 10th के रिजल्ट का या तो हो जाएगा परसों यानी सैटरडे, या आप मान के चलिए कि आपके मंडे तक में कोई न कोई एक ऐसा अपडेट जरूर आएगा कि आपका रिजल्ट के लिंक एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये मान के चलिए आप लोग कि कल क्लास 12th का रिजल्ट आ रहा है और क्लास 10th का रिजल्ट जो है वो आपको मंडे तक जरूर दिख जाएगा। इसलिए आप लोग पेशेंस रखिए, सभी बच्चों का मार्क्स इस बार अच्छा बना है क्योंकि प्री बोर्ड और प्रीवियस मतलब कि परफॉर्मेंस को देख करके स्कूल के द्वारा सभी बच्चों को अच्छा नंबर दिया गया है। इसलिए इस बात को मन से निकाल लीजिए कि मैं फेल कर जाऊंगा। फेल इस बार हमें नहीं लगता कि कोई बच्चा फेल करेगा, सभी बच्चों के रिजल्ट अच्छे होंगे क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि ICSE बोर्ड यानी ISC बोर्ड का भी रिजल्ट जो है इस बार बहुत ही अच्छा आया है, 90% से अबव बहुत सारे बच्चों का मिला है, क्योंकि आप जानते होंगे कि ISC बोर्ड सबसे हार्ड बोर्ड होता है, उसमें नंबर आना मुश्किल होता है, लेकिन इस बार मार्किंग स्कीम ऐसी थी जिसकी वजह से ICSE बोर्ड में भी अच्छे नंबर अगर उठे हैं तो ये मान के चलिए कि आपके CBSE बोर्ड में किसी के 70% से कम आने के चांस नहीं है। इसीलिए
आप लोग पेशेंस रखिए, क्लास 10th वाले और क्लास क्लास 12th वालों के लिए फिंगर क्रॉस्ड हो चुका है, उसका कल रिजल्ट घोषित होने वाला है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सबका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। इसी सोच के साथ, इसी अपडेट के साथ आज इस वीडियो में इतना रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।